हेलो बच्चा लोग, आज भाई साहब कुछ नए के साथ आया हूं। ठीक है, बोला था कि भाई सिर्फ पढ़ाई की चीजें ही नहीं मिलेंगी इस चैनल पर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो आपको एक राइट ट्रैक पर लेकर जाएंगी। राइट, बहुत सारे लोग जो वीडियो का थंबनेल देखकर आए हैं, ठीक है भाई, तो उनसे मैं अभी कह देना चाह रहा हूं कि भाई वीडियो में ना सच्चाई दिखाता जाऊंगा तुम्हारे को कि भाई क्या क्या होता है और तुम्हें क्या चीजें नहीं करनी इसी है। ठीक है, तभी जाकर 100 आएंगे। ठीक है, तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। अच्छा, तो यार एक्चुअल में सबसे पहले ना जब बच्चा 12th क्लास में आता है ना, तो लाइक वो एम करके रखता है कि यार 100s में लेकर आना है। हर किसी का एम है भाई, है ना। और भाई मेरा तो स्पेशली यही एम है ना अपने बच्चों को लेकर कि भाई मैं उनको फिजिक्स में 100 दिलाऊं। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, है ना, उनको पता है कि मैं क्लास में एक क्लास में कितनी बार बोलता हूं और उस हिसाब से मेहनत भी करता हूं। ठीक है, अच्छा सर जी इस ईयर कैसे आएंगे 100? ठीक है, इस साल तो पेपर भी टफ था, है ना, और अब आने वाले साल हो सकता है और टफ हो, तो हम कैसे लेकर आएंगे 100? देखो यार, रिविजन करने का पैटर्न बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। कैसे रिवाइज करा जाए सब्जेक्ट को मैं बता देता हूं। देखो फिजिक्स मेरे हाथों में, मैं आपको फिजिक्स की पूरी जानकारी दूंगा। तो भाई फिजिक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास मेरे हिसाब से फिजिक्स के लिए सिर्फ 2 या 3 मूल मंत्र बुक है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी मां है। ठीक है, लिटरली बोल रहा हूं बच्चे, एनसीईआरटी से बेहतरीन बुक अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी मां है भाई, इसीलिए मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको कराता जरूर हूं। आपने फर्स्ट चैप्टर का अगर लेक्चर देखा हुआ है तो भाई मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए अलग से सीरीज बनाई है, प्रीवियस ईयर्स के अलग से लेक्चर डाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी सबसे पहली बात बच्चे हमारी मां है। ठीक है, तो उसको हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट सर, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में बेटा 2 चीजें होती है, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। ठीक है जी, अच्छा लोग बात बोलते हैं एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा यार सॉल्व आने है ना, तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ इस बात को। ठीक है यार, हमें 90s वाली लाइन में नहीं रहना यार, 100 लेकर आने भाई। ठीक है, अच्छा सर एनसीईआरटी इनफ है क्या? नहीं, इसके बाद मेरे हिसाब से कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले, प्रीवियस ईयर्स बुक कोई भी जिसमें चैप्टर वाइज हो, चाहे पेपर दे रखे हो, कैसे भी प्रीवियस ईयर मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज वाली ले लेना, जो चैप्टर जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा होता है। ठीक है, किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको एमटीजी ले लेनी चाहिए, सीबीएसई चैंपियन। ठीक है, अच्छा दूसरे पब्लिशर की भी लगा सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा प्रीवियस ईयर से एक बुक ले लो। ठीक है, तीसरा जो हमारा तुर्क का एक का निकल कर आता है, वो लास्ट में दिसंबर मंथ में आता है, दैट इज आर सैंपल पेपर, सैंपल पेपर्स। ठीक है बेटा, सैंपल पेपर की जो बुक होगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन सी लेनी है एडिशनल। उसमें 15 या 16 सैंपल पेपर भी है उस बुक में, है ना, और एडिशनल मैं 15 पेपर दूंगा और प्लस 5 मॉक टेस्ट होंगे उसके उसमें तुम्हारे। ठीक है, दिसंबर मंथ के बाद 5 मॉक टेस्ट होते हैं, तो टोटल कितने होंगे बेटा, 20 और 10 30 और 36 पेपर्स। ठीक है, और इसमें से 3 गेस्ट पेपर होते हैं बेटा, गेस्ट पेपर बना के देता हूं। ठीक है, अच्छा तो सर ये आपने पैटर्न समझा दिया कि हमारे को कौन कौन सी बुक लेनी है और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन पैटर्न बताइए सर। रिवीजन पैटर्न क्या है बेटा? मेरे को जो कॉमन प्रॉब्लम आती थी ना, जब मैं फिजिक्स पढ़ता था या केमिस्ट्री पढ़ता था, कुछ भी पढ़ता था, तो मैं क्या करता था यार, एक दिन पढ़ लिया सब कुछ, अगले दिन भूल जाता, अगले दिन नहीं भूल रहा तो यार 2 या 3 दिन बाद सब भूल जाता है ना। अच्छा ये फिजिक्स कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, ये मेरे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आज मैं स्पेशली इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपका जो रिवीजन पैटर्न होगा वो क्या होगा? अच्छा यार मैंने ये फॉलो करा था। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है, सिद्ध है, मैंने फॉलो करा था और मेरा हो गया था। और मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ आदमी ने देखा होगा तुमने दुनिया में, ठीक है, मैं बहुत भूलता था कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज रिविजन पैटर्न में, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने पढ़ाई करी, मंडे को आपने पढ़ाई करी है ना, फिर उसी चैप्टर, क्या होता है ना, कभी भी ना मैं चैप्टर खत्म नहीं करता, कभी भी चैप्टर खत्म नहीं करता, ठीक है। यू नहीं कि चैप्टर खत्म ही नहीं करना कभी, ऐसा नहीं, मैं चैप्टर खत्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर वन पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक टॉपिक छोड़ दिया, पूरा पढ़ लिया, मंडे ट्यूजडे बैठने से 3 दिन लगाए, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक छोड़ दिया उसमें से, ठीक है। अब क्या करता था, जब संडे आ जाएगा ना, क्योंकि मंडे ट्यूजडे बैठने से तो आपने चैप्टर पढ़ने में लगा दिया, उसे क्वेश्चंस बनाने में लगा दिए 3 दिन, है ना। अब क्या होगा, जो संडे आएगा ना, संडे वो जो बचा हुआ टॉपिक है ना वो उठाओ, ठीक है। अब वो उठाया तुमने, वो टॉपिक जब करने जाओगे ना, तो यार ऑब्वियसली बात है इन सब टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी, बीच में से कोई टॉपिक छोड़ना ताकि उस टॉपिक को करने में इन सब चीजों की जरूरत पड़े, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो यार इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उसमें करने में, हाँ सर, तो अब ये टॉपिक करने के लिए तुम्हें ये रिवाइज करना पड़ेगा, जी सर, तो पहले तुम्हारे को इसकी रिविजन डालनी पड़ेगी, फिर इसकी रिविजन डालनी पड़ेगी, है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, चैप्टर का थ्योरी पार्ट होगा कंप्लीट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सर उसके बाद नेक्स्ट रिविजन कब होनी चाहिए आपके हिसाब से बेटा, अगर संडे तुमने फ्राइडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यूज किया, संडे दोबारा रिविजन किया, तो नेक्स्ट रिविजन डेट होनी चाहिए बेटा फ्राइडे, मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए बेटा, फ्राइडे होनी चाहिए। रिविजन पैटर्न क्या, सबसे पहले सारी डेरिवेशन करो, फिर एग्जाम्पल्स करो, फिर थ्योरी देखो कि चैप्टर की थ्योरी क्या है, बेसिक थ्योरी, ठीक है, जो मैं कराता हूं, ठीक है, थ्योरी देखो, ठीक है, ये 3 चीजें देखो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा करना है छापो, प्रीवियस ईयर छापना है छापो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बनानी है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा एक रिविजन पैटर्न, सर समझ में आ रहा है, रिविजन पैटर्न बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है रिविजन पैटर्न, क्या बात है सर, क्या रिविजन पैटर्न बताया, ठीक है, ये रिविजन पैटर्न बन गया हमारा। और इवन यार मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, हो सकता है तो और सब्जेक्ट्स के लेवल पर भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं आपके, जी न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, सर न्यूमेरिकल करने की सबसे बड़ी वजह होती है ना होने की, थ्योरी का क्लियर ना होना। जब तक थ्योरी कवर ना हो जाए, कोई भी गोबर बच्चा न्यूमेरिकल में जंप नहीं करेगा, वरना न्यूमेरिकल तुम्हें अपने नीचे दबा लेंगे, न्यूमेरिकल के नीचे दब गए तो फिजिक्स गई, फिजिक्स नहीं कर सकते बेटा फिर तुम, न्यूमेरिकल के नीचे नहीं दबना है, क्या करनी है, थ्योरी पकड़नी है बेटा उसके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की थ्योरी हाथ में आ जाए, बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करो। सर आज तक न्यूमेरिकल करे ही नहीं है 11वीं में भी, तो बेटा एसएल उठाओ बेटा, क्योंकि एसएल में जो न्यूमेरिकल है बेटा वो क्या दे रखा है, बेसिक से उठता है क्वेश्चन उसमें, एसएल उठाओ। जिसको भी अपनी फिजिक्स जीरो है, कोई मानता सर फिजिक्स जीरो है, एसएल उठाओ सबसे पहले, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी मत करने लग जाना गोबर लोगों, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो वीडियो में वो तो समझ आ जाएंगे तुम लोगों को, उसके बाद एसएल के न्यूमेरिकल्स उठाओ, सारे एग्जांपल्स शुरू करो, एक्सरसाइज मत करना चाहे तो एग्जांपल्स करो, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आओ, है ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। भाई मैं बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं भाई, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं ना, फिजिक्स तुम्हें इतनी आसान लगने लगेगी ना, सर क्या बात है, कितनी बढ़िया है फिजिक्स। और इवन भाई अपने लेक्चर में ना 100%, इवन क्लास में भी होता हूं ना 100% यही ट्राई करता हूं कि सर फिजिक्स को ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जाए कि बच्चे खेले फिजिक्स, ठीक है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे बच्चे के 100 आने चाहिए, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा कुछ नहीं है, सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल्स एक्सरसाइज करना सीखो, और इनसे भी पहले जो चीज करनी है थ्योरी एंड डेरिवेशन। अब यार एक चीज बताऊं, कई बच्चे बता क्या करेंगे, वो सोचेंगे नहीं यार भैया तो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो क्या करेंगे वीडियो बंद कर देंगे, है ना। लेकिन पता यार एक सच्ची चीज बता रहा हूं भाई, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं यार, कि ना एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू करो, एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू करो बेटा। सर आज तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैं सच बता रहा हूं, कोई बच्चा एनसीईआरटी को देखो यार, तुम पहली बार पढ़ोगे नहीं आएगी समझ में, ऑब्वियसली बात,
दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथा, कि टाइम है यार अभी, कितना टाइम है, नॉवल पढ़ दो, एनसीईआरटी पढ़ो। और भाई पता है कैसे, मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूं तुम्हारे को एनसीईआरटी को भी रिवाइज रखने का, एक रफ कॉपी ले लो, ब्लैक पेजेस वाली, व्हाइट पेजेस वाली कॉपी गंदी मत करना, समझ लो। एनसीईआरटी उठाओ एक हाथ में, एक हाथ में पेन लो और रजिस्टर रख दो ऐसे अपने साथ साइड में, पढ़ो, कोई लाइन बढ़िया लग रही है एनसीईआरटी में वो लाइन रफ हैंड से लिख लो, कि यू नहीं क्यों लाइन नए लाइन ऐसे लिख, ना 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 कैसे भी टेढ़ा आड़ा कैसा भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारा एक माइंड का कोऑर्डिनेशन बनेगा हाथ के साथ भी, और जो तुमने पढ़ा है वो दिमाग में जाके कहीं ना कहीं सेट होगा, है ना, क्योंकि तुमने वही चीज लिख ली है। अच्छा, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद एक काम करो, लिखा है बढ़िया तरीके से, अब जब तुम लास्ट करोगे ना तो पेज घुचड़ मुचड़ हो जाएगा, तुम्हें खुद को समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। अब पता है एक बार जब चैप्टर पढ़ते हो सिर्फ ओवरव्यू समझ में आता है, दूसरी बार चैप्टर पढ़ते हो जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तीसरी बार जब चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसके डिटेलिंग समझ में आने लग जाती है, और चौथी बार में चैप्टर बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाता है कि सर इस ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है मुझे, और ऐसे ऐसे कंसेप्ट है ना एनसीईआरटी में, ओए होए 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 होए, सही बता रहा हूं, ऐसा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा एक पैटर्न है, रिविजन पैटर्न भी बता दिया मैंने, कैसे करना है रिविजन, है ना, क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है ये भी बता दिया, है ना, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तो उसकी भी चीज बता दी, क्यों नहीं हो रहे, उसकी रीजन क्या है, और बेटा फिर भी नहीं हो रहे ना तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो यार, ठीक है। मैं एसएल वाला तो यार सबसे बेसिक है कि एसएल वाले तो हो ही जाएंगे, हो ही जाते हैं हर बच्चे के, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें ट्राई करो, और भाई फिर भी नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर नहीं काम आ रहा, सर कुछ और बताओ, मेरे पास और भी बहुत सारी ट्रिक्स है इसको याद रखने के लिए। तो बेटा आज का वीडियो ये वाला यहीं तक के लिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।